हेलो एवरीवन, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो है जी कॉलेज ऑफ रॉकीज़ के बारे में। ये वीडियो मैं पहले भी बना सकता हूँ कॉलेज के बारे में, बट इस बार क्यों बना रहा हूँ, जैसे इसमें एप्लीकेशन वेव ऑफ्ट है, तो अगर आप पहले इसकी $100 थी, आप चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो प्रीवियस जाकर। अगर आप चाहते हो मैं आई बटन में लिंक भी दे दूँगा। तो जैसे $100 की एप्लीकेशन फ़ीस थी, तो वही एप्लीकेशन वेव ऑफ्ट हो गया। तो जैसे कि कॉलेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में बताई, सेम ही वैसे बताने वाला हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन रहेगी। तो इन केस अगर आपको समझ ना आए, क्लियर ना हो वॉइस, तो आप ज़रूर नीचे चेक कर लीजिएगा। ट्यूशन फीस इसकी 11,000 से 15,690 के आसपास है, एंड आईएएस की रिक्वायरमेंट 6 ईच की है, पीजी के लिए 6 और नॉट लेस देन 6 की है, पीटीई अंडर ग्रेजुएट के लिए 50 एंड 58 फॉर लाइक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। डलिंगो टेस्ट के 110 स्कोर ओवरऑल एक्सेप्टेड है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट इसकी काफ़ी कम है, लाइक 50% ओवरऑल, और कोर सब्जेक्ट में भी 50, और आपके जो 12th के ग्रेड 12th में अगर आप मैथमेटिक्स आपने किया हो, उसमें 50% एटलीस्ट चाहिए। PGWP सभी कोर्सेज के बाद अवेलेबल है, फ्री एयरपोर्ट पिकअप है, एंड अफोर्डिंग वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल है, ज़्यादा हाई नहीं है। और ये रैंक्ड 1 किया गया प्रो कॉलेज किया जा चुका है एक बार पूरी वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन टूर, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और जो कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत सारे, वैसे एसोसिएट्स ऑफ एसोसिएट डिग्रीज हैं आर्ट्स में, साइंस में, साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोलॉजी, जी सारे मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं, इवन नॉन मेडिकल वाले भी एक दो प्रोग्राम कर सकते हैं, और एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स एंड सोशल वर्क का। और अगर इसमें मान लीजिए अगर आपने इवन प्लस टू आर्ट्स के साथ किया और इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो इकोनॉमिक्स वाला आप कर सकते हो। अगर सोशोलॉजी पढ़ी हो तो आप सोशल वर्कर वाला भी कर सकते हैं, एंड क्रिमिनल एंड सोशल जस्टिस डिप्लोमा विदाउट मैथ्स, जो कि बहुत कम होता है, इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम, आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, एंड बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटिंग जनरल का भी, मार्केटिंग का भी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड स्किल्स एंड नॉलेज का डिप्लोमा, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। कोई फिटनेस में इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टर्म आप करियर बनाना चाहते हो, ट्रेनर शेनर वाला भी नहीं, बस ट्रेनर वाला कोई बुरा नहीं होता, बट आप डीप स्टडी करना चाहते हो उसमें अच्छे से, तो ये डिप्लोमा बहुत अच्छा है। और टूरिज्म मैनेजमेंट डिप्लोमा विदाउट मैथ्स, ये भी बहुत रेयर प्रोग्राम है, तो यहाँ पर काफ़ी, तभी मैंने ये वीडियो बनाने का रीज़न ही बेसिकली प्रोग्राम्स को हाईलाइट करना था। फर्स्ट, सेकेंड, लोकेशन काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग इज वेरी गुड। हाँ, आयल्स के लिए कुछ बच्चे स्पेक्टिकल होंगे या 6 ईच किया, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा डिफिकल्टी। मोर ओवर अब तो पीटी भी एक्सेप्ट करें, डलिंगो भी एक्सेप्ट करें, एप्लीकेशन फीस भी ऑफ है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो एज सून एज पॉसिबल अप्लाई करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमारी ईमेल आईडी मेंशन है, वहाँ पर एज सून एज पॉसिबल अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो। बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं सभी कॉलेजेस को बहुत अच्छा नहीं बोलता, वो तो अच्छे ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। और ये कोविड का ही फायदा है, ठीक है, लोग इसको नेगेटिवली देख रहे हैं, बट देखिए फेव एप्लीकेशन फीस वेव ऑफ हो गई है, पहले कभी नहीं होती। इसकी वीडियो आप इस कॉलेज की मैंने ही डाली है, पहले जाके भी देख लो, नहीं होती थी एप्लीकेशन फीस वेव ऑफ, पीटी एक्सेप्ट ये नहीं करते थे, डलिंगो नहीं करते, डलिंगो जो फिर अभी नया है, पर पीटी भी नहीं करते थे, बट अब कर रहे हैं, ये कोविड का ही इफेक्ट है। पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं बहुत सारी, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो सून एज पॉसिबल अप्लाई कीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर लो, प्लीज़ यहाँ से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़ो सबसे नीचे, वहाँ पर मैं डेली 9:30 के अराउंड लाइव भी होता हूँ, और हमने भी वहाँ पर सेव की हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम डेली शेयर करते रहते हैं। कहाँ से अगर मान लो इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी है, आज मैंने वो भी शेयर किया था, लाइक अब तो वीडियो लेट आएगा, बट हाँ जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप जैसे ट्विटर पर दिखाई देख सकते हो अपडेट्स, अलग अलग चीज़ें जो मुझे नहीं पता लगती रहती हैं, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ट्रैक करनी हो कि हाई कमीशन के तरफ से क्या आ रही है, रैदर देन यू नो बीन रिलेट लाइंग ऑन यूट्यूबर्स। कुछ यूट्यूबर्स अच्छे हैं, बट कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का भी ज़्यादा बोल देते हैं, तो उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वो मैं वहाँ पर इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, वो वहाँ पर ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड सो फर अगर आपको वीडियो ठीक लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ भाई लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, ताकि राइट अवे जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है और आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो तो आपको मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।